हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न आपको आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स और साथ ही स्टेट पीसीएस दोनों में काम आएगा। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, ग्राफीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। आप जानते हैं ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है जो एकल परमाणु से बना हुआ होता है। पहला कथन कहता है यह मनुष्य को ज्ञात सबसे पतली और सबसे हल्की सामग्री है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। आप याद कर लें, ग्राफीन जो कि कार्बन का एक अपरूप है, ये एकल परत परमाणु से निर्मित तत्व है और ये अब तक मनुष्यों को जितने भी तत्व मिले हैं उसमें सबसे हल्का और सबसे पतला तत्व है। तो इसे आप जानेंगे, याद करेंगे। दूसरा कथन कहता है यह विद्युत और ताप चालकता दोनों को प्रदर्शित करता है। ये भी सही है क्योंकि ग्राफीन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम अभी देखेंगे, लेकिन आप इस बात को जान लें कि ये एक ऐसा तत्व है जिसमें विद्युत चालकता और ताप चालकता दोनों के गुण पाए जाते हैं। तीसरा कथन कहता है यह ऑप्टिकली यानी कि देखने के रूप में पारदर्शी है, यानी कि आप जब इसे देखेंगे तो इसके आर पार देख सकते हैं, ऐसा तीसरा कथन कह रहा है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये इतना छोटा है कि जब इसके आसपास से होकर किरण गुजरती है तो किरण को ये डाइवर्ट नहीं करता है, किरण को इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इससे पास होकर चली जाती है और इसीलिए जो आप इसे नहीं देख सकते, ये पारदर्शी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, ये कार्बन का एक अपरूप है जो एकल परमाणु मोटी परत होती है। ये देखने में हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल मतलब इसके छह कोण होंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको याद रखना है, यदि इसको पीट कर एक परत के रूप में समतल कर लिया जाए तो यह 2D आकृति में क्रिस्टल के रूप में बन जाएगा। यदि पीट कर इसके एक परत को समतल कर दिया जाए तो वो 2D आकृति में एक क्रिस्टल के जैसे बन जाएगा। आप जिस पेंसिल का यूज करते हैं, यदि उसके पेंसिल के जो कोन होते हैं जहां से आप लिखते हैं उसको यदि आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो उसका एक बहुत छोटा जो टुकड़ा होगा उसी के बराबर होता है ये, मतलब ये इतना छोटा होता है। यदि इसको एक जगह पर संयोजित कर दिया जाए, मतलब इसके जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं उसको अगर एक जगह बहुत सारे परमाणुओं को ला दिया जाए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते हैं, मतलब उसके लक्षण बदल जाते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं, चलिए सबसे पहले उसे देखते हैं। जो इसके क्रिस्टल आकृति होते हैं वो हीरे से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ऐसा माना जाता है कि हीरा जो है वो, ये भी कार्बन का प्रूफ है और ये हीरे से बहुत ज्यादा मजबूत है। दूसरा, स्टील की तुलना में 300 गुना ज्यादा मजबूत है। आप देख सकते हैं ये कितना मजबूत है। मोटाई के मामले में देखें तो ये बहुत पतला होता है और इसको बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है, इतना पतला कि ये लाइट को भी डाइवर्ट नहीं कर पा रही है, मतलब ये पारदर्शी बन जा रही है, इतना पतला हो जाता है। तो इसीलिए प्रकाश इसके आसपास इसके पार हो सकता है। चालकता इसमें बहुत ज्यादा है और इसमें चालकता के मैटर में सिर्फ विद्युत चालकता नहीं है, ताप चालकता भी है। जबकि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनमें सिर्फ विद्युत चालकता होती है या तो सिर्फ उसमें ताप चालकता होता है। जैसे जो ट्रेन होता है, ट्रेन के ऊपर में जो तार होते हैं उसको आपने देखा होगा, वो केवल और केवल विद्युत चालकता होती है, उसमें ताप चालकता नहीं होती। यदि उसमें ताप चालकता होता तो रगड़ कर वो समाप्त हो चुका होता, लेकिन वो सदियों, मतलब सालों से चल ही रहा है। तो वो जो होती है बिजली की तार जो रेलवे के ऊपर में लगे होते हैं, तो वो विद्युत चालकता होती है, ये कारण होता है, आप ध्यान रखेंगे। ये पारदर्शी भी होता है। कैसे होता है मैंने बता दिया, काफी लचीली होती है और हाइड्रोफैब्रिक गुण भी इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि ये हेक्सागोनल होता है तो इसमें हाइड्रोफैब्रिक गुण पाए जाएंगे। एक बात सिर्फ इसमें मैं ये कहना चाहूंगा इसके अनुप्रयोग से संबंधित, कि अगर आपको पूछा जाए कि इसके कहां कहां उपयोग हैं, तो फ्रेंड्स ये इसके इतने उपयोग हैं कि हम नहीं जानते हैं,
क्योंकि ये अभी अपने आरंभिक काल में है। जिस प्रकार से वायरलेस तकनीक और मोबाइल जो सिलिकॉन चिप था, इन सब के आने के बाद में तकनीकी के क्षेत्र में एक आंदोलन सा आ गया। ये एक ऐसा तत्व है जो आंदोलन ला सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा, अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप ऑल ऑफ दीज कहेंगे, क्योंकि इसका बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं हो सकता है। हाँ, ध्यान रखेंगे कोई ऐसा सेक्टर हो जाए जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको अगर देखा जाए कि इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है तो आप ऑल ऑफ दीज ही करेंगे, और यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगी अगर पूछेगी तो। आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 2025 में पृथ्वी की कक्षा को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक चार सशस्त्र रोबोट चेसर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो आप पृथ्वी का कक्षा देख रहे हैं जहां पे हम लोग उपग्रह भेजते हैं, चाहे वो लोअर अर्थ ऑर्बिट हो या फिर उससे ऊपर का हो, तो वहां पर बहुत सारे कचरा जमा हो गया है, उसको साफ करने के लिए इनमें से कौन सा वो संस्थान है जो चेसर नामक एक रोबोटिक यंत्र भेजने वाला है, तो आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें और आपको याद करना है कि चेसर नामक जो रोबोटिक सशस्त्र साफ करने वाला एक कार्यक्रम लॉन्च कर रहा है 2025 में, कौन कर रहा है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। आप याद रखेंगे जो पृथ्वी से जब से उपग्रह को प्रक्षेपित करने की प्रवृत्ति शुरू हुई है तब से बहुत सारे देशों ने, सैकड़ों देशों ने, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो उपग्रह हैं उनको ले जाकर छोड़ दिया। ले जाकर तो वहां छोड़ दिया, लेकिन उनको वापस लेके आए, नहीं लाए। अगर मान के देखिए कि आने वाले समय में इसी तरह से भेजते रहेंगे, इंडिया एक एक बार में 400-400 भेज देती है, तो अगर इसी तरह से भेजते रहेंगे, उनको प्रक्षेपित कर रहेंगे, तो कुछ समय के बाद वहां स्थान ही नहीं बचेगा। और ये भी संभावना है कि यदि कोई टुकड़ा जिसकी काल अवधि समाप्त हो गई तो वो जो जिसका अभी उपयोग किया जा रहा है उसके साथ टकराएगा, टकराने के बाद में फिर वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि भैया इसको साफ किया जाए। तो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है चेसर, किसके द्वारा, याद रखेंगे, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ये एक आकृति जो हमने ली है वो आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार के हैं जो देखा गया है उसके हिसाब से, ऐसे हैं पृथ्वी के ऊपर में अभी, तो इसको साफ करने की जरूरत है। तो इसमें ज्यादा चीजें आपको जाननी नहीं है, बस यही जानना है कि ये क्यों भेजा गया है ये कार्यक्रम। आपको नाम पूछा जा सकता है क्लियर स्पेस मिशन 1, और इसको चेसर नाम दिया गया है। कौन भेज रहा है उसको आप याद रखेंगे, कब तक भेज रहा है उसको आप याद रखेंगे। एक बात और केवल वर्तमान में जो लक्ष्य रखा गया है वो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए रखा गया है। मतलब हम लोग तो 36,000 किलोमीटर ऊपर भी तो भेजते हैं ना, लेकिन हम लोग अभी उसको साफ नहीं करेंगे। हम लोगों का टारगेट है लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब लगभग 400 किलोमीटर से लेकर 1,000 किलोमीटर के बीच में जो हम प्रक्षेपित करते हैं उनको अभी साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पूरे अंतरिक्ष को साफ सफाई करेगा, नहीं, ये सिर्फ लोअर अर्थ ऑर्बिट में काम करेगा। दूसरा ये भी कि क्या ये वहां जो प्राकृतिक तत्व हैं उनको भी साफ करेगा, जी नहीं। जिन उपग्रहों को हमने भेजा था और वो अभी यूजलेस हैं, मतलब सबकी अपनी कालावधि होती है, जैसे हम लोगों ने कार्टोसेट भेजा, उसका अभी चौथा पांचवा छठा संस्करण चल रहा है, तो पहला जो था ना वो काम करना बंद कर चुका है, लेकिन उसके जो अलग अलग हाथ पैर वगैरह थे, उसमें जो बहुत सारे प्लेट वगैरह लगे हुए थे जिसकी वजह से वो कार्य कर रहा था, वो तो अब यूजलेस हो गए। वो तो किसी से भी टूट कर टकरा सकते हैं, जिसका आप लोग हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर ये किया गया है। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ऐसा माना जाता है कि वो 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से घूम रहे हैं, यदि किसी अच्छे खासे से टकरा गया तो क्या हालत होगा आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ये कुछ देखने में इस प्रकार का है। नीचे जो आकृति है वो इसी प्रकार का है जिसको रोबोटिक मिशन के हिसाब से भेजा जाएगा। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, सही कथन की पहचान करनी है, एक एक करके देखते हैं। पहला कथन क्या कहता है, नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नैनो मिशन के तत्वाधान में किया जाता है। याद कर लीजिए, बिल्कुल सही है, नैनो विज्ञान के क्षेत्र में, नैनो विज्ञान एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा नैनो तकनीक के क्षेत्र में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यह सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जो 2019 में आयोजन किया गया था वो कोलकाता में किया गया था। इस मंच में मुख्य रूप से जो युवा शोधकर्ता होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, उन लोगों को मंच उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। साथ ही इस मंच पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेक्टर में कैसे नैनो तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, इस बात पर बात विचार होती है। मुख्य रूप से जब इस बार आयोजन किया गया था तो 5M की बात की गई थी। 5M मतलब पहला M जो था वो मैकेनिकल, दूसरा M मटेरियल, तीसरा M जो था वो मशीन, और चौथा मैन्युफैक्चरिंग, और पांचवा जो था वो मैन पावर। मतलब इन 5M में कार्य करने की बात कही गई थी, मतलब कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है वो इस बार जब 2019 में लास्ट आयोजन हुआ था तो उसमें कहा गया था। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसे किया जाता है। दूसरा कथन क्या कहता है, भारत नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में विश्व का शीर्ष 5 देश है। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है और भारत बहुत अच्छी सकारात्मक गति करते हुए विश्व के 5 शीर्ष शोधकर्ताओं में से एक है। इस बात को अभी आप याद रख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नैनो तकनीक का कहाँ यूज किया जा सकता है, तो इसका भी कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि नैनो तकनीक का कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है या फिर कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, तो आप कहेंगे ऑल ऑफ दीज। एकदम ऐसा ही विक्रम बैताल वाला क्वेश्चन ना हो, विक्रम बैताल वाला ऑप्शन ना हो, तो आप ऑल ऑफ दीज ही करके आएंगे, आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेशली यूज से संबंधित, तो वो ऑल ऑफ दीज ही होता है, सही होता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ वही बातें लिखी गई हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं। आप इसे, हम जो PDF उपलब्ध कराते हैं उसमें पढ़ लेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तक नैनो अभिक्रमक यानी कि टिश्यू नैनो ट्रांसफेक्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपको 3 कथन दिया गया है, सही कथन की फिर से पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया एक स्पर्श के साथ चोट को ठीक करती है या अंगों को फिर से बढ़ा देती है। देखिए मैं इसको सबसे पहले आपको समझाता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, जो टिश्यू से संबंधित जो नैनो ट्रांसफेक्शन तकनीक है, वो एक ऐसा तकनीक है फ्रेंड्स जो किसी टिश्यू को इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो टिश्यू, मतलब जो ऊतक होते हैं, मतलब हमारे शरीर का जो सबसे छोटा अंग होता है वो कोशिका होता है। बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं और बहुत सारे ऊतकों के मिलने से हमारे शरीर का कोई एक अंग बनता है। तो ये जो तकनीक है ना, उसके माध्यम से जो ऊतक होते हैं, कोशिका नहीं, जो ऊतक होते हैं उसको ठीक किया जा सकता है। मान के चलिए कि अगर आपके शरीर का हाथ के ऊपर, मतलब जो स्किन है, जो लेयर है, जो परत है, जो त्वचा है, वहां पर यदि चोट लग जाएगी तो आप मलहम पट्टी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चोट लग गई तो उसको आप सिलवाई करा सकते हैं डॉक्टर से, और फिर वो कुछ दिन के बाद खुद से ठीक हो जाएगी। लेकिन मान के देखिए कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है और उसके, उस बूढ़ा व्यक्ति के शरीर के अंदर, मतलब ब्रेन हैमरेज हो गया, जो जहां से ब्लड फ्लो कर रहा था वहां पे ब्लड क्या हो गया, नाड़ी टूट गई या फूट गई, वहां से आप ब्लड बहने लग रहा है, उसको कैसे ठीक करेंगे? या तो आप ऑपरेशन कर लीजिए, नहीं तो फिर मरने दीजिए। तो ये जो तकनीक है ना, नैनो उत्तक नैनो अभिक्रमक, मतलब टिश्यू नैनो ट्रांसफेक्शन, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि कोशिका, मतलब एक ऐसे चिप के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में, जिस व्यक्ति को ऑपरेशन करना है उस व्यक्ति के शरीर में चिप के माध्यम से इस रोबोट को भेज दिया जाएगा, मतलब रोबोटिक तकनीक को भेज दिया जाएगा। वो जाएगा और जहां पर टिश्यू को मरम्मत करना है, चाहे उसको जोड़ना है या फिर उसको काट के हटाना है, वो जाकर सिर्फ और सिर्फ वही काम करेगा। उसको बता दिया जाएगा कि आपको जाकर कहां काम करना है। तो ये वही तकनीक है, आपने समझ लिया, मतलब हमारे शरीर के अंदर जाकर टिश्यू को, मतलब
उत्तक को ठीक करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ठीक, अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया एक स्पर्श के साथ चोट को ठीक करती है या अंगों को फिर से बढ़ने देती है। सही है, क्योंकि ये जाकर यही तो कर रही थी, मतलब हमारे शरीर में, मान के चलिए हमारे ब्रेन में हैमरेज हो गया है, ब्लड का फ्लो हो गया है, बाहर निकलने लग रहा है, तो उसको जाके ठीक कौन करेगा? डॉक्टर हमारे ब्रेन को नहीं खोलेगा, ऑपरेशन नहीं करेगा, ये हम सिर्फ मतलब ब्लड के माध्यम से ही भेज देंगे, इसको ब्लड के माध्यम से भेज देंगे, ये जाएगा उसको खुद से ठीक कर लेगा। ठीक, दूसरा क्या कहता है कि नैनो चिप अनुवांशिक कोड को त्वचा कोशिकाओं में इंजेक्ट करती है तथा उन त्वचा कोशिकाओं को रोगग्रस्त स्थितियों के इलाज के लिए आवश्यक अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल देती है। बिल्कुल सही है, अगर कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति का अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है, मान के देखिए कि उस व्यक्ति में मतलब एनीमिया है और एनीमिया एक अनुवांशिक रोग होती है, तो उस रोग को ठीक करना है तो उसके लिए या तो आप ट्रांसप्लांट करवा लो, या तो ये जो नई तकनीक आ रही है उसके माध्यम से जहां पर ब्लड बन रहे हैं हम उस कोशिका तक पहुंचेंगे, उस उत्तक तक पहुंचेंगे, और उस उत्तक तक पहुंचने के बाद जिस गलत तरीके से व्हाइट ब्लड सेल बन रहे हैं ना, उसको हम ठीक कर देंगे। मतलब या तो उसको काट के हटा देंगे, या तो वहां पर कुछ अपने हिसाब से ले जाकर जोड़ देंगे, तो उसके माध्यम से जो व्हाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा बन रही थी उसको रोक दिया जाएगा। और यदि बहुत ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल को बनने से ही रोक दिया जाए तो वो व्यक्ति तो ठीक हो गया फिर। तो यही तकनीक है, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कहता है, यह पहले त्वचा कोशिका को प्लूरीपोटेंट कोशिकाओं में परिवर्तित करती है। गलत है, प्लूरीपोटेंट कोशिका में परिवर्तित करने की क्षमता इस तकनीक के माध्यम से अभी नहीं की गई है, वो टोटीपोटेंट तकनीक का है। प्लूरीपोटेंट मतलब एक स्टेम सेल होता है, वो एक होता है लेकिन वो बहुत सारे चीजों में विभाजित हो सकता है, लेकिन टोटीपोटेंट एक होता है और वो उसी से संबंधित होता है और उसी को ही बना सकता है। मतलब यदि कोई कोशिका है तो उससे आपको नाक बनाना है, कान बनाना है, हाथ बनाना है, पैर बनाना है, किडनी बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं, तब बना सकते हैं जब वो मतलब प्लूरीपोटेंट कोशिका है। लेकिन यदि कोई ऐसे टोटीपोटेंट कोशिका है तो उस टोटीपोटेंट कोशिका से यदि वो नाक का है तो सिर्फ नाक बनाया जाएगा, कान का है तो सिर्फ कान बनाया जाएगा। तो ये जो नैनो तकनीक है वो अभी वर्तमान में टोटीपोटेंट कोशिकाओं के क्षेत्र में कार्य करेगा, प्लूरीपोटेंट क्षेत्र में नहीं करेगा, यानी कि तीसरा गलत हो जाता है। आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ये जो कर क्या रहा है, यहां हमने चिप डाल दिया, अब वो कोशिका मतलब घुस जाएगा अंदर ब्लड में और जाकर वो ठीक कर लेगा, उसको जहां ठीक करना है वो जाकर, यहां हमने चिप डाल दिया था वो जाकर ठीक कर लेगा। यहां पर देखिए, यहां ठीक कर रहा है, यहां ठीक कर रहा है, वो अपने हिसाब से देख लेगा, बस उसको रेगुलेट करना है कि आपको कहां जाना है और क्या काम करना है। तो ये तकनीक है, काफी आगे बढ़ जा रहे हैं हम। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन क्वांटम डॉट का वर्णन करता है? अब आपको बताना है क्वांटम डॉट का यहां कौन सही वर्णन कर रहा है। पहला कहता है मध्य अंतरिक्ष नैनो स्तर पर एक धातु के क्रिस्टल के रूप में। दूसरा कहता है क्वांटम कंप्यूटिंग की बुनियादी इकाई। तीसरा कहता है सेमीकंडक्टर सामग्रियों से बने नैनो पार्टिकल, नैनो पैमाने पर सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक स्थिति निषिद्ध करना। फ्रेंड्स, जब ऐसा क्वेश्चन दे अगर स्टेटमेंट बेस्ड, तो चाहे वो आपको पहले ही कथन में आंसर क्यों ना मिल जाए, चारों को पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछता है। अगर हम बात करें क्वांटम डॉट का, तो ये सेमीकंडक्टर सामग्री से बने हुए नैनो पार्टिकल होते हैं। सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल कहने का मतलब होता है अर्धचालक जो होते हैं ना, तो वो उसी को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो अर्धचालक में कौन से हैं, चाहे वो सिलिकन है, कैडमियम सल्फाइड है, इनको हम अर्धचालक कहते हैं। तो इन्हीं चीजों से मतलब सिलिकन या फिर कैडमियम, ये जो तत्व होते हैं सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके छोटे छोटे कणों से बने हुए तत्व होते हैं और उसी को हम लोग क्वांटम डॉट कहते हैं। ये बहुत छोटे आकृति के होते हैं, मतलब आपका जो बाल है ना, उस बाल का 20,000वां गुना छोटा, आपके बाल के 20,000वां गुना छोटा जो डॉट होगा उसी को हम क्वांटम डॉट कहेंगे। ठीक,
तो यही आप याद रखेंगे, बहुत सारे क्षेत्रों में यूज किया जा सकता है। हमने तो अपने नैनो पार्टिकल डिस्कशन में ही देखा था कि यदि किसी तत्व को यदि बहुत छोटे पार्टिकल में चेंज कर दिया जाए तो उसका लक्षण बदल जाता है, उसका गुण बदल जाता है। यदि वो केवल हीट का फ्लो करने वाला था तो वो विद्युत का भी फ्लो करने लगेगा, अगर उसको क्वांटम यानी कि छोटा पार्टिकल में चेंज कर देते हैं तो। इसके बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य कर सकता है, तो ये आप देख लेंगे। इतना छोटा पार्टिकल हो सकता है एक तत्व का, तो आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।